वेलकम बैक टू डेली ट्यून रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ गुलनास और आपके सामने हाजिर हैं हम आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो भाई आज हम क्या लेकर आए हैं तो ये नेहा बताएंगी आपको। आज हम लेकर आए हैं व्हाई इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इतना अच्छा क्यों है? तो ये वीडियो पूरी एक लेंथ है इसकी के इंडिया के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है, उसके बारे में पूरा एक कहते हैं ना एक्सप्लेन किया गया। ठीक ठीक, तो हम जो इसके बारे में डिस्कस जो है हम वीडियो के बाद करेंगे और पहले वीडियो देखते हैं और इस पर रिएक्शन देते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में। लेट्स गो। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? व्हाई Why is India great? India great because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion or an even social stratification. Yeah, hamara system, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। चैंपियनशिप 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है, 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हेमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है, इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेंपल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1,00,000 लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3,00,000 से अधिक मस्जिदें हैं, कुंभ मेला द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था, यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यह थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है। The use of cell phones is strictly prohibited. और ठीक उसके बगल में लिखा होता है Paytm करो। As a matter of fact, India invented posting shit on the walls long before Facebook. दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं और साथ ही भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, जैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री, एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर,
एवरीवन इज गारंटीड देयर राइट्स इन आवर कंट्री। और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है। और यहां सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील, रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जगुआर लैंड रोवर इन द टाटा ग्रुप, एंड सीईओ ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, पेप्सिको एंड मेनी मोर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। पूरे वर्ल्ड में अमेजोन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाकी नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं, वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है, ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। ये थी पूरी इंडिया की कहानी और इनकी जबानी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो हमें तो खैर बहुत अच्छी लगी। हमारा पड़ोसी मुल्क है, भले कुछ भी हो, ये तो खैर बड़ों की बातें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की बातें, हम लोग जो है दूर नहीं है, आपस में एक जैसे हैं, तकरीबन मिलते जुलते ही है। हमारा कल्चर भी, जवान भी, हमारे खाने पीने भी बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा इंडिया को, मैं गई भी हूँ, तुम तो खैर गई नहीं हो, तो मुझे बड़ा शौक है इंडिया जाने का। हाँ, तो फिर जब होगा तो जरूर जाएंगे और देखेंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे। अच्छी बात है, घूमना फिरना चाहिए, एक दूसरे की से मोहब्बत बढ़ती है आपस में। और ये सब पॉलिटिक्स की बातें, आपस में हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं है, ठीक है ना। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मूवीज हो गई, खेल हो गए, खाने हो गए, ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। वहाँ के ज्यादातर कई यूट्यूबर्स भी पसंद है मुझे, वहाँ की कई वीडियो पसंद है, वहाँ कई यूट्यूबर्स जो है मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, और बहुत अच्छे जो है वो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। क्योंकि जो है तारीफ जो है वो खुल के करनी चाहिए, किसी की भी हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो आपको रिएक्शन कैसा लगा जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, नेक्स्ट रिएक्शन किस पे होना चाहिए वो भी बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स करने का, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर दिल से। और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं फिर कहूँगी हम लोग कुछ भी नहीं है, तो प्लीज अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो काफी सारे लोगों ने किया, क्यों नहीं किया वो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।